आपको ले लेना है ये चैप्टर्स हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट इतने टाइम्स, टोटल चैप्टर्स ट्राई होती है, इसमें आपको वन वन टाइम्स मालूम है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चैप्टर्स लग गया है, जिसको भी अगेन रिपीट करना है। ठीक है, अब देखिए हम लोग चैप्टर 11 की बात करते हैं। 11 और 12 ये दोनों सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप दे रहे हैं, इसको पहले रिलीज कीजिए, इसके बाद तो हमारे किस चैप्टर रहेगा उस चैप्टर पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 11 जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड जैसे आप चैप्टर 17 में आप इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, जिसको आपने 3 टाइम्स पढ़ा है ना, इसकी उस समय में भी हमने बात किया था कि चार्ज दो तरह के वो यूज किया जाए, चार्ज इन मोशन एंड चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट यदि यहां चार्ज इक्वल टू एट रेस्ट, ये जो चार्ज जो प्रोड्यूस होता है दोनों में फर्क है, इसमें आपको ये डब्रा का फिजिक्स इंग्लिश भी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई चैप्टर 17 में आप पढ़ते हैं चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन, तो द पार्ट ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज इन मोशन इज नोन एज करंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे करंट। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है जो आप देख रहे होंगे, और इसको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। इसमें जो चार्ज प्रोड्यूस करंट पास करता है, तो वह आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वह आपको गुड कंडक्टर होते हैं, जैसे आयरन रॉड एल्यूमिनियम कॉपर वायर, तो चार्ज इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है बाय फ्रिक्शन, चार्ज प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोड्यूस बाय। तो चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है चार फ्रिक्शन के द्वारा यहाँ पर चार्ज प्रोड्यूस होता है, इस जगह हम लोग जो चार्ज प्रोड्यूस करते हैं कई केमिकल इफेक्ट की वजह से भी आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जैसे बैटरी वगैरह जो है वो केमिकल इफेक्ट है। बहुत तो इस केस में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं चार्जिंग प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन। तो इस केस में आप देखते होंगे जो भी चीजें होता है वो बैक कनेक्टर होता है, जिससे करंट बहुत इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जल रहा है, उसमें अगर हम ले जाते हैं तो बैक बड़ी कार्बन ये सब क्या है, इससे आपको करेंट तो अनन्या क्या पूछना है, अनन्या राज सर सर कुछ कुछ इंसुलेटर जो रहता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है, पास जनरेट कर देता है लेकिन पास नहीं कर पाता, तो सर का इलेक्ट्रॉन क्या है।
एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा जो वो लोग स्टैटिक एनर्जी जो है वो जनरेट कर सकते लेकिन अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। फिर से रिपीट करो क्वेश्चन को। सर इंसुलेटर जो है वो स्टैटिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देते हैं लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, तो सर उनका ऐसा क्या एटॉमिक स्ट्रक्चर वजह से ये नहीं हो पाता? रुक जाओ एक मिनट और आवाज आप बोलो सर। इंसुलेटर जो होता है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाता है क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो बॉन्ड रहता है प्रोटॉन से, तो सर वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास क्यों नहीं होने देता जब वो स्टैटिक एनर्जी जनरेट कर सकता है? तो इसीलिए ना वहां पर देखो इसमें इंसुलेटर्स जो है वो आपको ये करेंगे कि यहां पर चार इसमें मोशन और यहां चार है स्टेबल रह जाएगा, उसको अगर कनेक्ट कांटेक्ट नहीं किया जाए या इंडक्शन तीन मेथड से वह हीट वह चार्ज ट्रांसफर होता है। सर तो एक है कनेक्ट करके उसको ट्रांसफर कराया जाता है, सर एक और प्रोड्यूस होता है इसमें आपको जो है बाय फ्रिक्शन चार्ज डेवलप हो रहा है ना, बाय फ्रिक्शन जो चार्ज डेवलप कर रहा है तो उसमें मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है वो अपने बॉडी का चार्ज को वो ट्रांसफर कर रहा है ना, दोनों टाइप में इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ये इसमें चार्ज इसमें है वो सब वहां चार्ज रेस्ट है, इस जगह जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो किस से बाय फ्रिक्शन मेथड से डेवलप कर रहा है ना, लेकिन वहां जो चार्ज जो डेवलप कर रहा है वो आपको उसमें हम लोग हेल्प दे रहे हैं डायनो का, है ना, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम लोग हेल्प ले रहे हैं या केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का ले रहे हैं, तो ये जो ये आपको प्लास्टिक के फॉर्म को ड्राई हेड से रब किया तो उसमें जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो स्टैटिक चार्ज है ना, वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के केस के हुआ कि किसी में कम गया किसी में चार्ज हो गया तो आपको किसी में ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन जिस दर से लॉस करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम जाएगी और जो गेन करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन इस केस में क्या है कि मोशन में नहीं, इस केस में मोशन में करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो मोशन में, तो इस बेसिस पर ये कंडक्टर और इंसुलेटर को डिस्टिंग्विश किया है जिससे इलेक्ट्रिक करेंट वहाँ इलेक्ट्रिक करेंट बहुत स्मॉल अमाउंट में है जो है चार्ज या ट्रेस के द्वारा हो रहा है, ठीक है, ठीक है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट का भी क्या है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वहां पर जो है इससे आप इतनी अमाउंट की चार्ज जनरेट नहीं कर सकते, बोले स्टैटिक चार्जेस जो है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चैप्टर 11 में डिस्कस करने जा रहे हैं वो तो वहां पे आपको एक्टिविटी वन में यही चीज को दिखा रहा है कि अगर हम जो है रॉ आयरन का कॉम ले और उसको ड्राई हेयर से रब करेंगे तो उस एक्टिविटी टू में है ना मेटल कॉम अगर लेंगे तो उस पर चार्ज डेवलप नहीं करेगा, है ना, क्योंकि वहां पर जो चार्ज है बाय फ्रिक्शन मेथड्स वो केवल बैड कंडक्टर इंसुलेटर्स पर ही ये आपको बाय फ्रिक्शन मेथड वो चार्ज डेवलप करता है, तो आप एक्टिविटी टू में प्लास्टिक कॉम है वो नॉन मेटलिक है तो गेट चार्ज अप ऑन रबिंग, वेयर एज मेटल कॉम है तो मेटलिक है तो डज नॉट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग, दोनों में फर्क देखिए, प्लास्टिक कॉम है तो वह चार्ज अप हो जाता है बाय फ्रिक्शन मेथड बाय रबिंग मेथड,
लेकिन वहीं पर मेटल कॉन्ग है तो डज नॉट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग. ड्रिंकिंग स्ट्रॉ नॉन मेटलिक है तो गेट चार्ज अप ऑन रबिंग. Whereas वो नाइट रॉड नॉन मेटलिक है तो भी गेट चार्ज अप ऑन रबिंग, है ना. ग्लास रॉड है नॉन मेटलिक है गेट चार्ज अप ऑन रबिंग. वही मेटल पिन है मेटलिक है डज नॉट गेट चार्ज अप ऑन रबिंग. ये आपको जो है हाफ अर्ली एग्जाम जो था उसमें भी ये टाइप का क्वेश्चन था, तो बहुत बच्चों ने गलती किया था. तो ये चार्ट एटलस की लिस्ट में आपको ये लिखना है वह किस चीजों की है, यानी वह गुड कंडक्टर है कि इंसुलेटर से बैड कंडक्टर है. अगर गुड कंडक्टर होगी तो उसमें चार्ज बाय रबिंग वह प्रोड्यूस नहीं करेगा. ओके, तो एक्टिविटी टू में जो आपको करते दिखाया है कि नॉन मेटलिक और मेटलिक, मेटलिक जो है उसके चार डेवलप नहीं होती है बाय रबिंग मेथड बाय फिक्सर मेथड. व्हेयर नॉन मेटलिक गेट्स चार्ज अप बाय फ्रिक्शन मीटर और रबिंग मीटर. ओके, तो इस तो इसमें बहुत सारे जगह आप चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट दो तरह के ऑब्जेक्ट्स को हमने बात किया. तो चार्ज और अनचार्ज, चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स, तो देखिए जो भी ऑब्जेक्ट्स है अगर वह फिक्सन नहीं किया गया और नॉन मेटलिक है उस केस में वह क्या है अनचार्ज होती. जब उसको या आप ये कह सकते हैं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ये दोनों इक्वल है तो उस केस में आपको जो है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर दोनों इक्वल है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वह अनचार्ज है, न्यूट्रल. वो क्या है न्यूट्रल. अगर इसमें अनबैलेंस होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ठीक बराबर हो गया किसी चीज में तो निगेटिव चार्ज होगा. ये चीज आपको गौर करना है. अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो किस चीज की ज्यादा मेजरमेंट चीज होगी, है जैसे आप देखो यार सोडियम ने क्या किया इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और क्लोरीन ने इसको गेन कर दिया. सोडियम जो है और नेगेटिव आयन हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव आयन हो जाएगा. सॉरी इलेक्ट्रॉन को ये लूज करके ना इसमें एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी ना, ये इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ये सोडियम पॉजिटिव आयन हो गया और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव आयन हो गया क्योंकि सोडियम ने वन इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया लूज कर दिया. और वही वैलेंस क्लोरीन जो है छोटे छोटे पेपर ऑफ पीसेस के पास ले गया तो वो क्या हो गया उसको अट्रैक्ट कर लेता है, यानी यहाँ पर प्लास्टिक कॉम्प जो है वो चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया, है ना. तो एक्टिविटी टू में ये दिखाना चाहता है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स बाय फ्रिक्शन मेथड वो चार्ज है और कौन अनचार्ज है. तो जैसे मेटलिक जो भी चीजें होंगे, है ना, वो बाय फ्रिक्शन मेथड वो अनचार्ज रहेगा उस पर चार्ज डेवलप नहीं होगा, लेकिन जो नॉन मेटलिक है वो बाय फ्रिक्शन मेथड गेट्स
चार्जर, वो चार्जर हो जाएगा। तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स जो हम लोग डिसाइड किए वो जिससे करंट पास कर सकता है, नॉट बाय फ्रिक्शन मेथड हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वह आपको कंडक्टर्स है और जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगा जिस ऑब्जेक्ट से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसुलेटर्स। उसी का दूसरा नाम जो है वह मैग्नेट। ओके, तो जनरली मोस्टली मेटल्स जो भी मेटल्स है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसीलिए कुछ एक्सेप्शन होते, लेकिन मोस्टली मेटल्स जो है वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, वेयर एज नॉन मेटल्स होंगे वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इसी कारण से मेटल्स जो हो गया और नॉन मेटल्स, तो ये आपको ये गुड कंडक्टर होंगे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और जो है नॉन मेटल्स जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, जिसको हम लोग इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक है। और इस केस में इसी कारण से आप देखते होंगे ये बैक कंडक्टर रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का भी इलेक्ट्रिसिटी और भी यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन के इसी कारण से आप देखते होंगे जो भी इलेक्ट्रिक का हम लोग अगर टच करना यूज करेंगे तो उस केस में आप जो है इंसुलेटर सप्लाई जो रबर का दस्ताना पहन के इलेक्ट्रिक मिस्त्री अगर कोई तार वगैरह टच करेगा तो वो यूज करेगा, है ना, पर ताकि उसको इलेक्ट्रिक करंट का शॉक नहीं लगे। ओके, तो इस तरीके से ये कंडक्टर और इंसुलेटर को भी हम लोग ने जाना, है ना, और चार्ज ऑब्जेक्ट, हम चार्ज ऑब्जेक्ट को भी जो ना, अब है टाइप्स ऑफ चार्जिंग नेचर। चार्ज के बारे में लोग डिफाइन कर चुके थे कि चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है, है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो आपको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। काइंड्स ऑफ चार्ज इन नेचर में हम लोग एक्टिविटी थ्री जो है काइंड्स ऑफ चार्ज में दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, तो कहता है कि लाइट चार्ज इस एक्टिविटी थ्री में आपको दिखा रहा है, दो एमोनाइट लाइट रॉड को ले गया, तो वो देख रहे हैं बाहर की तरफ भाग रहा है, ठीक है, जैसे जैसे दूर ले जा रहा है तो लाइट चार्ज जो है वो दूसरे को क्या करेगा, माइनस माइनस को लेगा या प्लस प्लस को चार्ज को लेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, रिपल्सन होगा। और वही अगर लाइट चार्ज की हम लोग बात करेंगे तो ये अट्रैक्शन होगा, इस केस में क्या हुआ, अट्रैक्शन होगा। तो एक्टिविटी थ्री में आप देखते हैं कि दो एमोनाइट रॉड को रखा गया है, दोनों एमोनाइट रॉड को रब किया गया होगा, है ना, अगेंस्ट प्लैनेट्स, है ना, प्लैनेट एंड सिल्क, तो यानी एमोनाइट रॉड को प्लैनेट से रब किया गया और वहीं पर ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया, ठीक है। बोलो आदित्य राज, क्या दिखे? यस सर, सर फ्लैनेल क्या होता है? फ्लैनेल एक टाइप रेजिनियस सब्सटेंस होता है, जिस तरह से ऊन होता है ना,
उसी तरह से फ्लैनेल का कपड़ा मिलेगा, ठीक है। तो चीज का नाम होता है ना, जैसे आप कहते हो नायलोन, नायलोन क्या होता है, उसी तरह से फ्लैनेल है ना, वो आपको टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स में रेडियस रेशेदार जो होगा है ना, और रेशेदार संस्थान से जो होगा, ठीक है। तो फ्लैनेल और सिल्क, ये फ्लैनेल को आपको एवोनाइट रॉड से रब किया गया और ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया गया। अब देखो दोनों सेम एवोनाइट रॉड, अगर फ्लैनेल रॉड फ्लैनेल से ही रब किया जाएगा तो दोनों एवोनाइट रॉड पर सेम चार्ज डेवलप कर जाएगा, वहीं ग्लास रॉड और एवोनाइट रॉड दो डिफरेंट चीज से रब किया गया ना, एक फ्लैनेल से और एक सिल्क से। इसीलिए इस ग्लास रॉड सेकेंड फिगर में आप देख रहे होंगे यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम रॉड से और सेम चीज से रब किया गया है, इसीलिए इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। एक्टिविटी थ्री को आप ठीक ढंग से पढ़ेंगे है ना, तो उसमें यानी आपको ये एमोनाइट रॉड